नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे और विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान काफी तादाद में लोग जमा थे। योगी जी का फूल मालाओं से भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान सभागार में काफी लोग जमा थे। योगी ने आजम खान का नाम लिए बगैर उनके बारे में काफी कुछ कहा। उन्होंने आजम खान के जमीन कब्जाने का भी जिक्र किया। वहीं अपनी इस स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम आप लोगों से यही अपील करने आए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हमने प्रदेश जैसे परंपरागत उत्पाद को पहचान दी, इससे जुड़े हुए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया। पेश है रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट। यही अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं भाइयों बहनों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमने प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को पहचान दी, इससे जुड़े हुए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया, आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनके लिए तमाम योजनाओं को लागू किया और आज उसी का परिणाम है कि रामपुर का चाकू एक बार पुनः देश और दुनिया के अंदर सिर चढ़ करके बोलेगा, लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, तलवार अगर पात्र व्यक्ति के हाथ में होगा तो वह गरीबों की जमीन को हड़पने का कार्य करेगा। ये तलवार अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में होगा तो वह गरीबों के हक पर जबरदस्ती डकैती डालने का कार्य करेगा। अगर ये तलवार गलत हाथों में होगी तो फिर यह तलवार लोगों के हक पर छीना झपटी करने का कार्य करेगी। ये तलवार अपात्र लोगों के हाथों में होगी तो फिर यह चाकू वहां पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का जरिया बन जाएगा। लेकिन यही तलवार और यही चाकू जब पात्रों के हाथों में होगी तो यह सुरक्षा का कार्य करेगी और समृद्धि को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और रामपुर वासियों से मैं इसी सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। आप चिंता मत करिए, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, ये कार्य हमारी सरकार करेगी। बिना भेदभाव के विकास किया गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं अब तक पहुंचाई गई हैं और बिना भेदभाव के योजनाएं आगे भी चलेंगी। लेकिन इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। ये परिवारवाद, ये जातिवाद, एक मत और मजहब के आधार पर विभाजन की कार्रवाई या न केवल विकास के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य में भी बाधक है, उनके विकास में भी बाधक है। और इस परिवारवाद की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करिए। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि रामपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि रामपुर से चुना गया प्रतिनिधि वास्तव में जनता के बीच का व्यक्ति हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में परहेज होता हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति से बात करने में परहेज होती हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ कार्य करने में परहेज हो, उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। आम जन की आवाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ नागरिकों को देने वाला व्यक्ति और ईमानदारी के साथ हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। यहाँ के गरीबों की जमीनों को हड़पने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं को जबरन डकैती डालने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जा करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं।